लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द पुल डे चैलेंज वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं और मेरा भाई एक दूसरे के अगेंस्ट जाने वाले हैं इन ऑल द पुल एक्सरसाइज जो हम करते हैं पुल डे पे। पुल डे बोले तो मतलब पुल मूवमेंट, खींचना, जैसे बैक, बाइसेप या रियल डेल्ट्स। ऐसा भाई और मैंने एक्चुअली में एक पुश डे का चैलेंज वीडियो बना रखा है। वैसे वो पुश डे चैलेंज नहीं है, वो चेस्ट डे चैलेंज है। उसके अंदर हमने बस चेस्ट हिट करी और कुछ हिट नहीं करा, लाइक शोल्डर ट्राइसेप हिट नहीं करे हमने। मतलब अलग से वर्कआउट में करे थे बट वीडियो के अंदर नहीं करे थे। बट आज ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज आज मैं और भाई बैक, बाइसेप्स और रियल डेड तीनों हिट करने वाले हैं। कंपटीशन है बहुत तगड़ा, बिकॉज भाई और मैंने इस वीडियो के अंदर टोटल 14 एक्सरसाइजेस के अंदर जीरो कम्पीट किया है, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट। चैलेंज के रूल्स क्या हैं? देखो बहुत सिंपल, भाई और मैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस के ऊपर अपने बॉडी वेट के हिसाब से रैप्स निकालने वाले हैं। जो ज्यादा निकालेगा वो विनर होएगा। तो सबसे पहले भाई और मेरा बॉडी वेट, भाई का है 75 और मेरा है 69, तो 70 kg। आज सबसे पहले होने वाली है बैक, उसके बाद रियल डेड, फिर बाइसेप्स। तो बैक के लिए वार्म अप्स में थोड़े पुल अप्स स्टार्ट करा भाई ने और उसने हिट करे 15 रैप्स, दैट्स इंप्रेसिव। और फिर मेरी बारी और मैंने हिट करे 13 रैप्स। ओके, कोई नहीं, पहला राउंड भाई जीत गया, नॉट अ बिग डील। स्कोर है भाई 1, वेबी 0। देखो बैक के अंदर वर्टिकल मूवमेंट जैसे कि लैट पुल डाउन वाली मशीन या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जैसे कि सीटी ड्रो वाली मशीन। सिंपल बात, मैं बैक के अंदर जो भी एक्सरसाइज होते हैं मैं उनके अंदर बहुत होल्ड करता हूं रैप्स के अंदर। तो मेरे लिए रैप ज्यादा निकालना थोड़ा टफ होने वाला है। अब इसके बाद हमने फाइनली अपने एक्सरसाइज शुरू करी, जहां पे भाई ने स्टार्ट करा विद लैट पुल डाउन और भाई ने 75 का जिस पे हिट करे 14 रैप्स, इंप्रेसिव। फिर मेरी बारी आई और मैंने 70 के जिस पे हिट करे 15 reps, guess who won? Score हो गया है equal, भाई 1, वेबी 1। अब इसके बाद हमने सीधा जंप करा horizontal pull पे, जहाँ पे हमने hit करा CT draw। देखो CT draw के अंदर ना भाई या मेरे लिए 75 या 70 kgs बहुत light है। हम दोनों से अंदर ही 3 set hit करते हैं, फिर 100, 110 and 120 kgs। तो हमने record करा with 110 और 120 kgs। जब मैंने 110 किलो पे मारे 10 रैप्स और अब मेरी बारी और मैंने 110 किलो पे मारे 13 रैप्स विद 2 पॉज रैप्स आल्सो। आई लव पॉज रैप्स। ओ वेट, गेस हु इज विनिंग, भाई 1, वेबी 2। अब 120 किलो जहां भाई ने हिट करे 9 रैप्स और सेम वेट के ऊपर ही, मतलब 120 किलो पे मैंने हिट करे 9 रैप्स। सो दोनों को एक एक पॉइंट। बोले तो भाई 2, वेबी 3। अपन पैदा ही जीतने के लिए हुआ भिडू। अब हमने प्लान को थोड़ा स्विच करा, चेस्ट वाले चैलेंज के अंदर और बैक वाले चैलेंज के अंदर भी पहले भाई हिट कर रहा था और मैं उसको चेस कर रहा था, बट अब मैं पहले हिट करने वाला हूँ और भाई मेरे रैप्स को चेस करेगा। हमने एक और हॉरिजॉन्टल पुल हिट किया विद 25 kgs डंबल, जहां मैंने हिट करे 17 रैप्स और सेम 25 के डंबल पे भाई ने हिट करे 3 3। अब इसके बाद हमने बस एक एक सेट हिट करा एक वर्टिकल पुल का वे 30 kgs, जहां मैंने हिट करे
6 रैप्स। आई डोंट नो मैंने कैसे हिट कर दिया इसके अंदर, सेम वेट पे भाई ने हिट करे। भाई 3 वे भी 4 और बैक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलने वाले हैं रियल डेल्ट पे, जहाँ पे हम एक साइज हिट करते हैं जिसका नाम है रिवर्स पैक डेक फ्लाई। और हाँ, इस मशीन का नाम पैक डेक फ्लाई है, बटरफ्लाई नहीं है। बट ना ठीक है, जिसके ऊपर मैंने हिट करे रैप्स, और सेम वेट के ऊपर भाई ने हिट करे ठीक है भाई, भाई 4 वे भी 4। अब इसके बाद हमने हिट करी साइलेटर, जो मुझे कोई नहीं हमने क्यों हिट करी, बट बस कर दी हिट। इसमें भाई ने 10 केजी से हिट करे रैप्स, नाइस। और फिर मेरी बारी आई, और देखो इन साइज के अंदर ना मैं थोड़ा अलग सिस्टम है, अपना सिस्टम ही अलग है इनमें। सीन है कि पहले मैं दोनों से हिट करता हूं, उसके बाद मैं थक जाता हूं तो एक-एक से हिट करता हूं अलग से, पूरा मसल फाड़ दो भाई। तो मैंने सेम टर्न के जिस पे हिट करे तो स्कोर हुआ भाई 4 वेबी 5 बॉर्न टू विन। अब हमने शुरू करा भाई साहब, हमने छोटा सा वार्म अप हिट करा चिनअप्स का अपने बॉडी वेट पे, जहां मैंने हिट करे नहीं, मैं इसमें गाने लगा रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, और मैंने हिट करे 10 रैप्स, और भाई ने अपने बॉडी वेट पे हिट करे नहीं, मैं इधर भी गाने नहीं लगा रहा, मैं इधर भी आलसी हूं, और भाई ने हिट करे 11 रैप्स, ही वॉन भाई 5 वेबी 5। अब इसके बाद आते हैं मेरी फेवरेट बाइसेप की एक्सरसाइज, इंक्लाइन डंबल कर्ल्स। आई सीरियसली लव दैट एक्सरसाइज। अगर तुम में से किसी ने ये एक्सरसाइज कभी नहीं करी, ट्राई जरूर करना, बट कम वेट से, बहुत ज्यादा वेट से नहीं, एकदम से। जहां पे 15 केजी इस डंबल, और मैंने हिट करे टेन रैप्स, और सेम भाई की बारी 15 केजी इस डंबल्स। वैसे देखो 8 रैप्स है, बट अगर मैं लास्ट वालों को मान लूं तो 9 रैप्स हो जाएंगे वो। अरे भाई, भाई के टर्न विद 15 केजीज डंबल, और उसने हिट करे एट रैप्स। बट हाँ, मैं वो अपने हाफ रैप्स को काउंट नहीं करने वाला, तो मेरे भी 8 रैप्स हुए, तो फाइनल स्कोर बना। रुको भाई, मैंने पूरा रिकॉर्डिंग कर ली, और गेस कर बैक पुल, मतलब जो मेरा पुल चैलेंज था उसमें कौन जीता होगा, गेस कर। मैं कितना पॉइंट से? पॉइंट से मतलब तू जीता, तेरे को एक पॉइंट, मैं तो मैगो पॉइंट, ऐसे कितने पॉइंट जीता होगा? 7। तेरे भी 7, मेरे भी 7।
दोनों ड्रॉ हुआ है तो थाला फॉर रीजन, दोनों के 7 पॉइंट हुआ है, दोनों ड्रॉ हुआ है। देखो चैलेंज वीडियो इतनी थी, बट इस चैलेंज वीडियो से मैंने एक चीज जरूर सीखी है, वो ये कि जब कंपटीशन होता है ना मेरे साथ, मेरा भाई ही था जरूर, बट चिल एक माइंडसेट होता है कि जीतना जीतना है, उस चक्कर में मैंने कुछ इतने रैप सेट करे जो मैं कभी कर भी नहीं पाता। तो मैं जरूर बोलूंगा कि भाई की वजह से या फिर चैलेंज वीडियो की वजह से मैंने अपने आपको थोड़ा पुश करा एंड आई फाउंड आउट कि मैं और रैप्स निकाल सकता हूं जो मैं जनरली नहीं निकाल पाता। बट आई मीन ये फुल डे चैलेंज इतना। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप एंजॉयड। मिलते हैं और वीडियोस के अंदर। सायोनारा। चेस्ट का हो गया, पुल डे का हो गया, नेक्स्ट में बताया क्या आने वाला है। सी यू सून।